ओ भैया सोचिए कि किसी की नाव अगर आसमान में फंस गई तो क्या होगा। अरे मुन्ना क्या बात कर रहा है, आसमान में फंसना टेक्निकली कैसे पॉसिबल है भैया, रियल लाइफ के छोड़िए माइनक्राफ्ट में फंस सकते हैं। अरे मुन्ना माइनक्राफ्ट में फंस भी गए तो हम लोग कुछ कर थोड़ी पाएंगे, ये हम लोग आसमान में को खड़े हो ही नहीं सकते पहली बार बिना बैरियर ब्लॉक्स के, और उसका हम लोग कर नहीं सकते मुन्ना आसमान में हम लोग फंसे कैसे। तो भैया आसमान में फंसे मैया इसका मतलब है कि आपके बस पास सिर्फ एक ब्लॉक है भैया ग्रास का। अरे मुन्ना हम लोग के पास सिर्फ एक ग्रास का ब्लॉक है तो फिर हम लोग कैसे उसे तोड़ेंगे, नीचे गिर जाएंगे वर्ल्ड में उससे ज़्यादा क्या है। पर भैया हमेशा भैया ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो, उससे भैया आज हम लोग मैप खेल रहे हैं जिसका नाम है स्काई ब्लॉक भैया, सॉरी भैया स्काई ब्लॉक नहीं वन ब्लॉक। अरे मुन्ना का कब से वन ब्लॉक की बात कर रहा था, कब से बहुत इस गेम के बहुत मतलब इस मॉड के बहुत चर्चे सुने हैं मैंने। हाँ भैया बहुत लोग इसको खेल रहे हैं तो भैया आज हम लोग भी इसको ट्राई करने वाले हैं। तो अगर इस वीडियो पे 55 लाइक्स आ जाते हैं तो हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं कि अरे मुन्ना एक चेस्ट में से हमको कुछ बुक्स मिली हैं। हाँ भैया ये भैया बुक्स मैनुअल्स की है भैया, आप देख सकते हैं ये जो ये गेम है ये सिर्फ चैप्टर मतलब भैया ये सिर्फ भैया इंग्लिश में मौजूद है, मतलब कि सिर्फ स्पेनिश में मौजूद है भैया, हम लोग इसको बाकी किसी लैंग्वेज में फ़िलहाल तो प्ले नहीं कर सकते पर आगे ये अपडेट आ जाएगा। पर मेरे को इस गेम के मैकेनिक्स और रूल्स पता हैं तो भैया हमको मैनुअल की ज़रूरत है भी नहीं। अरे हाँ मन्ना तो भैया इस गेम में भैया आपको जो भी चीज़ मिलेगा उसको एक चेस्ट में ज़रूर स्कोप कीजिएगा कि वन ब्लॉक है, मतलब भैया नीचे वर्ल्ड में गिरे ना कुछ नहीं बचेगा। अरे ऐसा है क्या मुन्ना? हाँ भैया ऐसा ही है, इतना आसान ना है भैया ये। ठीक है मुन्ना फिर मैं एक काम करके एक ब्लॉक यहाँ पर रखते हैं और एक चेस्ट रख देते हैं और इसके अंदर अपनी 5 ब्रेड रख देते हैं, पका नहीं क्यों मिला है भैया। अगर आपको नहीं पका तो ये जो गेम है भैया हार्ड पे है, हार्ड पे मुन्ना हार्ड में। हाँ भैया सही बोला, ये जो गेम है मोड है इसका हार्ड मोड। क्या बात कर रहा है, हम लोग हार्ड पे कैसे खेलेंगे, हम लोग कभी खेले ही नहीं हैं, गे सकते हैं डिफ़िकल्टी हार्ड है, हम लोग पीसफुल भी कर सकते हैं पर भैया हम लोग गेम के असली मजे लेने के लिए हार्ड ही करेंगे। क्या बात है मुन्ना हार्ड मोड हार्ड गेम। हाँ भैया इसमें 10 पेजेस आते हैं, पहला ग्रासलैंड, दूसरा स्टोन केव, तीसरा भैया समझ नहीं याद नहीं आ रहा है, 5वां जंगल बायोम होता है, 5वां वुडलैंड मेंशन वाला बायोम यानी विलेजर का बायोम, तो विलेजर्स भी आते हैं बीच बीच में। और भैया इस बीच में आपको जितने पंपकिन और मेलन मिल गए हैं ना उनसे भैया कुछ कुछ को तो भैया आप सीड्स में कन्वर्ट कर दीजिए फॉर एग्जांपल ऐसे, और उनको फिर आप ग्रो कर सकते हैं भैया, तो इस फॉर्म में उनको रख दीजिए जिससे आपको खाने की कमी ना हो, वैसे आपको खाने की कमी नहीं होगी तो भैया इसमें कोई ऐसा जुगाड़ होगा ही होगा जिससे आपको खाने की कमी ना हो। भैया फ़िलहाल तो आपके पास कोई टूल वूल नहीं है, का हाथ से बस क्लिक कर जाइए। और भैया इसमें आपको मॉब्स भी मिल गए हैं। अरे हाँ मन्ना मॉब्स के बारे में सुना था, इस मोड में मिल गए हैं हमको मॉब्स, पर कब आएंगे टेक्निकली वो भैया कुछ देर में आ जाएंगे, पर भैया डर्ट हार्ड से तोड़ने में टाइम लगेगा ना, तो भैया पहले हम लोग एक सवल बना लेते हैं। अरे मन्ना सवल कैसे बनाएगा तू भैया, खूब आसान है भैया, पर हमको पहले इस डर्ट को तोड़ना पड़ेगा और इस जगह क्राफ्टिंग टेबल लगाए गए हैं क्योंकि हमको ऊपर लगाने की जगह की कमी है। एक और पंपकिन मिला है, इस बार पंपकिन को भैया अपने नॉर्मल फॉर्म में स्टोर करके गए हैं, बाकी डर्ट और वुड अपने साथ रखते हैं। और भैया ये वाला वुड भी मुझे चाहिए होगा एक्चुअली। और भैया जल्दी से भैया हमने जैसे क्राफ्टिंग टेबल बना दिया है तो यहाँ से भैया 4 स्टिक्स बना देते हैं। इसमें भैया ज़्यादातर आपको पहले फेज़ में सवल और एक्स की ज़रूरत पड़ती है भैया, बाकी किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर भैया पॉसिबल ये भी है क्योंकि भैया यहाँ पे आपको एक ब्लॉक मिल गया जिसका नाम होता है बोन ब्लॉक, जिससे आप 9 बोन मिल बना सकते हैं, उस ब्लॉक की मिलने की संभावना होती है और उस ब्लॉक को माइन करने के लिए आपको चाहिए एक पिकैक्स। ऐसा है क्या मुन्ना? हाँ भैया ऐसा है। तो भैया फिलहाल अपने आइलैंड को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, कम से कम 5x5 का होना ही चाहिए ये। हाँ मुन्ना सही बोला, 5x5 का होगा तो थोड़े हमारे पास स्पेस रहेगा।
और भी एक्चुअली बताऊँ चेस के लिए भैया मेरे पास एक दूसरा जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है मुन्ना? भैया चेस्ट रूम भैया, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। इस चेस को भी फिलहाल तोड़ देते हैं। अरे मना क्यों ना, सब कुछ तोड़ क्यों दिया भैया? सारा चेस का सामान जो होगा ना अब यहाँ पे जाएगा भैया हमारे। ठीक है मना, जैसे तू बोलता है मेरे को समझ नहीं आ रहा तू क्या कर रहा है, पर ठीक है। और हम और मना हमारी डिफिकल्टी हार्ड है तो थोड़ा ध्यान से रहना मना भैया, चिंता ना कीजिए मैं ध्यान से रहूँगा। कभी अभी फिलहाल काम करना शुरू करते हैं। पर भैया मैंने कभी चेक नहीं किया कि भैया आखिरकार इसमें स्लॉट कितने होते हैं, तो मैंने चल अभी चेक कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 ठीक है मुन्ना का 27 स्लॉट्स होते हैं भैया। तो भैया टोटल में हमारे पास 27 स्लॉट्स होते हैं एक चेस्ट में भैया। हाँ मुन्ना सही कहा तूने, ठीक है भैया। तो ये भी आज पता चल चुका है। बाकी भैया हम लोग को जैसे जैसे चेस्ट मिलकर रहेंगे, आपको हमारे पास एक्स भी है ना, एक्स माइन करके हैं वुड को। और भैया हमारी पहली एनिमल भी आ चुकी है ये, इसको फिलहाल हम लोग घूमने वूमने देंगे। पर भैया हमको एनिमल्स के लिए भैया एक जगह बनानी पड़ेगी, जो भैया मुझे पता है हम लोग कहाँ बनाएंगे। पर भैया पहले हमको थोड़े वुड माइन करने पड़ेंगे क्योंकि हमको फेंसेस बनाने हैं इनके लिए ऑब्वियसली, और हम लोग भैया इनको चारों तरफ से कवर करेंगे। चल मैंने कहे पास वुड तो आ गया बहुत सारा, या क्राउच करके चलिए इस आइलैंड पे। तो भैया इसके दो स्टिक बना लेते हैं और इसके दो फेंस बना लेते हैं भैया। और भैया आप पूछेंगे मैंने दो स्टिक क्यों बनाई है भैया, क्योंकि भैया हमको एक फेंस गेट भी बनाना है जिसके लिए हमको थोड़े और वुड चाहिए। पर फिलहाल आई गेस इतने काफ़ी रहेंगे। हाँ मुन्ना इतने का ऑब्वियसली काफ़ी होंगे ना। तो भैया इसको अंदर कर देंगे, बस साइड साइड में लगाया क्या जिससे साइड से कम ये घेर ना पाए। हाँ अरे सही मुन्ना, एकदम सही बोला कि उन्हें साइड से कम ना गिरे, क्योंकि भैया इनका कोई पता नहीं भैया कहीं गिर ना जाए। और एक लास्ट में अभी के लिए फिलहाल टेम्पररी लगा रहा हूँ, बाद में इसको हम लोग फेंस गेट से रिप्लेस कर देंगे। और ये रिप्लेस हो गया ये फेंस गेट से। पर अभी एक तकलीफ ये है कि फेंस गेट भैया जंगल का बनेगा, तो मैंने अच्छा है ना थोड़ा कलर चेंज होगा तो हमको पता लग जाएगा जल्दी से। ठीक है भैया अब जैसे ही बाहर आएगी भैया जल्दी से बाहर आने की कोशिश करेगी, हमें उसे ये काम करने नहीं देना। अरे भैया आपको बाहर निकल जाएगी, पर हम लोग इसका अंदर पुश कर सकते हैं। अरे अंदर चले जा, ठीक है बस मेरे को लगाने के ब्लॉक। अरे मन अंदर नहीं जा रही है ये भैया, हमारे पास हे बेल था। ओ सेठ भैया गड़बड़ हो गई। अरे मन ये क्या करा उसने, उसे को मारा ये गलती से लग गई भैया, मैं जान मुझ को उसको मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। अरे मैंने ये क्या किया तूने, चलो कोई नहीं भैया अब चल कर रहता है, आप उसका चिंगम किए भैया लोग आके रहेंगे। वैसे भी हमारा बना नहीं का भैया अच्छे से, अब भैया अच्छे से बन चुका है, अब हम लोग इनको जल्दी ज़्यादा अच्छे से वो कर पाएंगे भैया, मतलब उनको अच्छे से पाल पाएंगे। पर भैया पहले इनके प्लेटफॉर्म को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, और वो हम लोग भैया अलग अलग टाइप की वुड से कर देंगे। पर हमारे पास पहले वुड भी होना चाहिए जिसके नाम को सैपलिंग्स चाहिए, अगर सैपलिंग मिल जाए ना अच्छा रहेगा। मुन्ना हमें सैपलिंग कैसे मिलेगी भैया? चेस्ट से मिलेगी, और हमको लीव्स भी आएंगे भैया कभी कभी, तो लीव से भी हमको सैपलिंग्स मिल जाएगी। पर भैया सिंगल ब्लॉक हो क्या लीव का सिर्फ, उससे भैया सिंगल ब्लॉक से मिलने के चांसेस काफ़ी कम हो गए हैं। मैं चल इसको अंदर भेजने की कोशिश करते हैं थोड़े। हाँ भैया ये लोग बुद्ध हो गए हैं, ये लोग बाहर के चले जाएंगे पर अंदर नहीं आ पाएंगे, मतलब भैया अंदर के चले जाएंगे पर बाहर नहीं आ पाएंगे। अब मैंने थोड़ा और धक्का के बस इनको, पर भैया मारिएगा मत बंग भैया, क्या बात ये लोग का बंग है।
अब भैया हम लोग थोड़ा माइंड कर सकते हैं आराम से। हर हाँ मैंने सही बोला, पर भैया हमको इसको पीछे से बड़ा भी करना पड़ेगा। एक और मेहमान भैया। हाँ मैंने सही बोला, एक और मेहमान। और भैया एक हमारी ग्रास भी खा जाएगी। नो भैया नो, इसको धक्का नहीं देना, अभी सारी गड़बड़ हो जाएगी। अरे मुन्ना क्या करे, ये को घिर जाएगी। ये चिंका की कोई बात नहीं है, मैं बचा लूँगा भैया इसको। पर ये अभी को बाहर आ गया है। अरे भाई कू अंगल चलना, अंगल चल जाओ। पर ये को बाहर आ गया। अरे सब कुछ गोलमाल हो रहा है। कोई नहीं, ये थोड़ा बड़ा हो जाए फिर कुछ गोलमाल नहीं होगा। मैंने चल इसको हम लोग थोड़ा एक्सपेंड करके हैं, वो को नहीं एक को दूसरे को धक्का देंगे को नहीं। चलो भैया कोई को मेहमान आया, पर भैया बाहर भी चला गया। चलो कोई नहीं। हाँ मन्ना क्या कर रहे थे हम, हाँ भैया इसको एक्सपेंड कर रहे थे, तो जल्दी से हम लोग इसको एक काम करके भैया तीन ब्लॉक्स एक्सपेंड करके कहें। हाँ मन्ना देख, एक ब्लॉक हमने कर दिया, एक्चुअली दो कर दिए हैं, तो हम लोग तीसरा ब्लॉक भी एक्सपेंड कर ही गए कहें। हाँ भैया आई गेस इतना बड़ा महंगा ना अभी के दिन के लिए सही रहेगा। हाँ मन्ना कम से कम ठीक है। और भैया ये पीछे से गिर सकते हैं तो भैया पीछे और आगे पीछे के लिए मतलब साइड साइड के लिए भैया, तो हमको जुगाड़ करना ही पड़ेगा इनका, वरना भैया गड़बड़ करेंगे ये तो। चलो अच्छा है मन्ना अभी अपने आप ही अंदर चलेगा, क्योंकि भैया इस बार इनके पास ज़्यादा रूम है ना भैया, मतलब ये सब खुले में रह सकते हैं। और मन्ना अच्छी बात है, ठीक है हमारे पास और थोड़े से आ गए हैं फेंस, तो फिर से लगा देते हैं। और एक काम करता हूँ इस बार पीछे लगा देते हैं भैया, थोड़े से ऐसे करके लगा देंगे। अब ये जैसे जैसे आके रहेगा भैया हमारे पास, हम लोग भैया बना के रहेंगे इसको। हाँ मन्ना सही बोला कौन है। चल अभी इनको, अरे भैया इस पिक को भागने की जगह जल्दी है, सीप ना भाग पाए, जल्दी अंगे भैया वरना बहुत मार खाएगा। पता है ना पिछले वाले जानवर के साथ क्या हुआ था, वो घिर गया था। अरे मुन्ना कई बात नहीं मांगे ना, बहुत गंगा पी गया मुन्ना। सही बोला भैया गंगा पी गया ये को, ठीक है अंगर चला गया। पर अब ये बाहर आएगी उसको आने नहीं देना, पर ये को आ गई। पर कोई नहीं, ये अंगर भी चले जाएगी भैया, अभी अंगर चला जा। अरे भाई अंगर चला जा प्लीज़, और मुन्ना तेरी बात मान नहीं रही है। ये सिप, ये सीप को हमें हमारे एरिया से हटाना पड़ेगा, अगर इसने हमारी ये वाली ग्रास खाई ना भैया तो गंगा मच जाएगा, क्योंकि भैया हमको फिर पता नहीं लगेगा हमारा वाला कौन सा है। वैसे हमारे क्राफ्टिंग टेबल के जब साइड में है तो हम लोग उसको देख के पता लगा सकते हैं, पर मना इसको भगाना पड़ेगा हमको कहीं पर तो। अरे भाई अंदर चले जाना प्लीज़। अरे मन्ना ये मांग की नहीं है बिल्कुल भी भैया, इसके लिए लगता है मुझे ये खोलना पड़ेगा। अरे भैया खा ली इसने, ये बुरी बात है भैया। आ भैया हम लोग, ओ नहीं भैया ये गिर जाएगी नीचे। अरे मन्ना बहुत तंग करते हैं, मुझे तो लगता है इनको मार देना चाहिए। लोग भैया हम लोग इनको नहीं मार सकते भैया, फाइनली एक ने गिर बार बाहर मकाना अभी। और मन्ना दिमाग ख़राब करके रखा है सच में भैया, बहुत हो गया। हाँ भैया इनका मैं जुगाड़ करके रहूँगा, क्या करेगा मुन्ना जुगाड़ इनका। जाएगी भैया को जाने दीजिए क्राफ्टिंग टेबल को, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। पर हम लोग भैया सारे बना के रखे, अब सारे ब्लॉक्स रख लेते हैं अपने साथ, और एक पंपकिन को भी घर रख लेते हैं निशानी के लिए हमको बस। और थोड़ा सा वुड चाहिए, एक और सिप, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ओ नो नीचे ना गिर जाए, बस ऊपर चले जाए, बस मत जा, मेरा कुछ नहीं जाता। मुन्ना इसका एक्स घोड़ा कर, ये एक्स लगा जल्दी को कैम वॉटर में लगा पंपकिन। अच्छा भैया ऐसा है क्या, मुझे पता नहीं था।
चल एक पीस का आया वुड का, कम से कम उससे हमारी क्राफ्टिंग टेबल बन जाएगी। हाँ भैया अभी पंपकिन को हटा देते हैं। अरे हाँ भैया आपने तो सही कहा है, सच में जाकर जल्दी जल्दी क्यों कराई है आप क्राफ्टिंग टेबल इधर लगा के क्यों? भैया दोनों अंदर घुस गए हैं, पर ये गिरने वाली है बाहर से। एक्चुअली नहीं मुन्ना ये नहीं गिरेगी, पर भैया हमारे पास भैया बस दो सीप आ गई है भैया, बस एक हेबल आ जाए। यहाँ पे हेबल्स भी स्पॉन होते हैं अगर आपको नहीं पता तो। अरे ऐसा है क्या मुन्ना? भैया अरे मुन्ना इससे तोड़ा कर तू। ठीक है भैया आपके हिसाब से मैं वुड सबल से तोड़ूंगा, मतलब ग्रास डर्ट और क्ले सबल से तोड़ूंगा और वुड को एक्स से तोड़ूंगा और पंपकिन वंपकिन को। हाँ भैया सही बोला, सही बोला ना भैया मैंने? हाँ मैंने एकदम सही बोला कौन है, क्योंकि मैंने मुझे अच्छा नहीं लगता जब हम लोग गलत टूल का यूज़ करते हैं कोई चीज़ को तोड़ने के लिए। अगर तुझे पता है एक चीज़, ओ भैया हमारी सबल की हेल्प देखी है भैया, मैंने कहा करना इस पॉइंट पर भैया इसको फैक्ट इसको भैया पूरा यूज़ नहीं करना है, हम लोग इसकी जगह नया बनाएंगे। वैसे भैया मुझे पता है ये लोग नहीं गिरने वाले हैं। भैया ये क्या हो रहा है? अरे मुन्ना ये लोग गिर जाएंगे इनके चक्कर में, भैया हम लोग गिर जाएंगे भैया। अरे मुन्ना ये लोग अंदर क्यों नहीं आते? मना तंग हो आ गया हूँ इनसे मैं, बस अंदर चले जा इसको धक्का गिर। तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई? आप तुम लोग मरने वाले हो। अरे भैया मक मारिए इनको, मना देखना कि कामर पिगी को मार गया, एक ही आया था अभी, अगर दो होते तो हम लोग ब्रीडिंग करवा गए, क्योंकि ब्रीडिंग करने के अंदर को भैया कैरेट चाहिए। इनकी भैया गलती नहीं है, इनके पास दिमाग नहीं है ना भैया? हाँ मना सही बोला इनके पास। अरे मना नहीं 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 ये गड़बड़ की बात है, ये नहीं होने के सकता मैं। हम लोग को टेम्पररी इसको ऐसे करना पड़ेगा। तुम लोग बहुत सहकान हो, पिगी के बेचारे को नीचे गिरा दिया। हम लोग भैया कुछ कर भी नहीं सकते कि भैया मैच पे खा। अब बाहर आके खाओ, तुम्हें एक ना मारूंगा कि देख लेना तुम। सही कहा भैया, बहुत गंगे हैं भैया ये, पर कोई नहीं भैया चलता है। तो मना हम लोग क्या करें कि हाँ भैया आपको फ्रेंड्स बनाने के थोड़े, ठीक है बना देता हूँ। तो बन गए मना थोड़े से फ्रेंड्स, भैया जाइए जल्दी से और इनको लगा दीजिए इसके बगले। मना पहले एक काम करना, नीचे का ब्लॉक तोड़ना, नीचे का ब्लॉक से लोग जा नहीं पाएंगे। देखा मना, वाह भैया आपके पास दिमाग बहुत है। अरे मना रुक जाए इसकी, ओ मना कह के एकदम कम हेल्थ बची है मगर दिख ही नहीं गई है। नहीं मना दिख रही है पर अब दिखते हैं। नहीं मना वो रेड कलर का बार भी नहीं दिख रहा बहुत अच्छे। मना अब इसको यूज़ मत कर। हाँ भैया सही बोला मैंने, अब आप इसको यूज़ मत कीजिएगा, अब हम लोग इसको फ्यूल सोर्स की तरह इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि भैया एकदम एक ड्यूरेबिलिटी वाला टूल भी भैया एकदम एक वुड प्लैंक जैसा काम करता है। भैया हमारा पहला फर्नेस का भैया फ्यूज हो जाएगा ये, इसको भी आराम से सेव करके रखवा के कहें। फिलहाल हमारे पास थोड़े से वुड को हैं, तो आई गेस इसका एक नया सवल बनने वाला है। भाई जैसे ही हमारे पास स्टोन आएंगे ना, मैं स्टोन के बनाना चालू कर दूँगा ये सवल। हाँ मुन्ना स्टोन के सवल। अरे वाह मुन्ना ये तो बहुत अच्छी चीज़ आई है, और मैंने मशरूम का है भैया मुझे नहीं पता इसके बारे में ये क्या चीज़ है। मना मुझे पता है इससे हमको इन्फिनाइट खाना मिल सकता है। भैया क्या बात कर रहे हैं इन्फिनाइट खाना? मना बस तुझे बाउल बनाने पड़ेंगे जैसे नॉर्मल तो आयरन लगता है बकेट के लिए, पर इसमें आयरन की हमको ज़रूरत नहीं है मना। बस तू देख के जा मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पर हमको इन्फिनाइट जैसे हम लोग मिल्क को इन्फिनाइट टाइम्स खा मतलब ले सकते हैं ना काओ से, वैसे भी इससे हम लोग इन्फिनिट स्क्यू ले सकते हैं, और मिल्क से का कोई हंगर रिस्टोर नहीं होता, पर इससे एक्चुअली में हंगर रिस्टोर होता है मुन्ना। भैया क्या बात कर रहे हैं? हाँ मुन्ना ये इन्फिनिट फूड है। ओ भैया ये तो फिर बहुत कमाल की चीज़ मिल चुकी है हमको, और मुन्ना बताए इसके चांसेस सिर्फ 1.5% होते हैं, और हमको मशरूम का फिर से मिल गई, क्या बात है मुन्ना।
फिर से कहा पहली बार भी मिली थी क्या? अरे नहीं मुन्ना, मैं इसको देख के मैं इतना खुश हो गया था, मेरे को लगा पहले से हमको मिल गया ये, पर मैंने चांसेस बहुत कम होते हैं। और मैंने एक हेबल आया है, ये बहुत काम का है, मुझे पता है मैंने इससे हमें क्या करना है। क्या करना है भैया? इससे ब्रेड बना देना है। अरे मन्ना क्या बात कर रहा है, तू ब्रेड बनाएगा? हाँ, इसे हमें एनिमल्स को पहले खिलाना है। ठीक है भैया, मैं दूसरे का ब्रेड बनाना होगा हमको। नहीं मन्ना, ब्रेड नहीं बनाना इससे। ठीक है भैया, आप जैसा बोले। पता नहीं भैया आप ब्रेड क्यों नहीं बना रहे इससे, मैं हो कभी का ब्रेड भी बना चुका होगा। तो मन्ना को बुद्धू है ना, उसी देखो ब्रेड बना रहा है इसका। ब्रेड नहीं बना के मन्ना इसका। ओके भैया, पर मैंने तो बस यही सीखा है कि बस जब भी वीट मिले उसका ब्रेड बना दो। मना वो नॉर्मल सर्वाइवल में होता है, पर वन ब्लॉक में इसकी सोचना मत, अपने एनिमल्स की संख्या बढ़ानी चाहिए वीट से, ना कि खुद ब्रेड बना के खाना चाहिए उसको। पर भैया एक माइंड में लॉजिक जो है वो सेंस नहीं बनाती है क्या मुन्ना? कि भैया आप खुद देख लीजिए, हाँ ये लोग वीट से हमारा पीछा करके हैं। देखिए जैसे मैं वीट से पीछा करके हैं, पर हेबल से पीछा नहीं कर सक करके, जबकि हेबल का वीट का यह गुच्छा है ना। पर गए कोई हमारी तरफ अभी नहीं देख रहा है। जैसे ही भैया इसको वीट में कन्वर्ट किया, सब हमारी तरफ भागे आ रहे हैं। कभी यह क्या बात हुई, जैसे इसको ब्रेड बना के हैं भैया, फिर भी भैया वैसा ही होता है। कभी मुझे ये लॉजिक थोड़ा समझ नहीं आया। और ये ब्रेड भी बना के हैं, कभी भैया तीन वीट के साथ कमिंग होते हैं। यह तो ब्रेड का कमान ही गया, माइनक्राफ्ट में थोड़ा सा अनलॉजिकल है कि ब्रेड हम लोग सिर्फ क्राफ्टिंग वाले बना के हुए, मैं को बेक वेक करके और भी चीज़ें लगा हैं। पर हेबल का क्या है, वो तो सिर्फ एक गुच्छा है ना भैया वीट का। हाँ वरना सही का गुच्छा है वो को भैया, पर फॉर सम रीजंस हम लोग लामा को नॉर्मल वीट से ब्रीड नहीं कर सकते, पर हेबल से ब्रीड कर सकते हैं। हाँ मुन्ना सही बोला है उन्हें, ये भी बहुत अजीब है। और अगर भैया मशरूम का और इनकी संख्या भैया बढ़ानी होगी भैया, और ये एक नॉर्मल काओ जैसी रूट भी ड्रॉप करते हैं, जैसे हमारे पास इनकी संख्या बढ़ जाएगी भैया, तो भैया हम लोग इनसे अपनी भैया इनसे हम लोग इनको मार के भैया नॉर्मल काओ की करें इनको रखेंगे। और भैया अगर सीएस देन है ना इनसे, भैया हमको मशरूम भी मिल गया है, और भैया इसका और एक काओ का हम लोग हमेशा जिंदा रखेंगे। अभी मेरे को एक चीज़ हमेशा के लिए टेस्ट करने की, क्या रे मुन्ना क्या हुआ भैया? पहले तो मुझे इसको लूर करवाना पड़ेगा, तो मैं हाथ में अपने फीट पकड़ लेता हूँ, अंदर जाना पड़ेगा। तो इसको मुझे एक बार फीट करना है, और इसको एक बार फीट करना है। तो मुन्ना को कर क्या रहा है भैया? आप रुक जाइए, छोड़ तेरी बात छोड़, पर मैं जो टेस्ट कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि बेबी मशरूम का उसे हमको स्ट्यू मिलता है। अरे हाँ भैया अच्छा क्वेश्चन है, चल मैंने जल्दी से देखते हैं कि यहाँ हमें मिलता है स्ट्यू। भैया मेरे को भी जानना था भैया एक्चुअली, तो भैया जल्दी से एक बाउल बना के हैं, वैसे बाउल एक नहीं बनते, एक साथ चार बनते हैं। नहीं भैया बेबी का उसे नहीं मिलता, वैसे भैया बेबी का उसे मिल्क भी नहीं मिलता है हमको, फालतू में बना दिया भैया। चलो कोई नहीं, अरे मैंने एक चीज़ आई है मेरे पास। क्या भैया? अब मेरे पास एक का वीट आया है ना, अब मैंने एक जीनियस आइडिया है मेरे पास। क्या है भैया? इसके बाद सेकंड टाइम में ब्रीड करवा के कहें, अब मुन्ना देखना मेरा आइडिया कैसा है। मेरा आइडिया है इसका, हम लोग अभी किल करने वाले हैं इनको। अरे क्या बोल रहे हैं, मैंने इनको मारेगा क्यों? अरे भैया आप ही को बोल रहे हैं। अरे हाँ मुन्ना मैं भूल जाता हूँ गेम के फ्लो में। तो मैंने कहा हम मुझे क्या करना है, तो मैं पहले इनको ब्रीड करवा गया जैसे दो दो बच्चे हो गए हैं, अब हम लोग इन दोनों को मार सकते हैं जिससे हमको वूल मिलेगा, और वूल से कारपेट बनती है, और कारपेट से कमाल की चीज़ होती है। पर उससे पहले ज़रा मुझे थोड़ा वुड आ जाए मेरे पास तो थोड़ा अच्छा रहेगा, और मैं यहाँ से थोड़े और वुड दे देता हूँ। अब ठीक है भैया, इतने सारे जब पड़े हैं भैया इनसे बना लीजिए। ठीक है मैंने कहा एक सोल्ड बनाने की बस।
अरे मना, किसी को लग गई, किसी को लग गई गलती से, इसको मारना है बस भैया। तो मैंने इसको मार दिया, अब इसको मार के कहें बस। और मैंने दो वूल हमारे पास आ गया, अब हम लोग इसे कारपेट बना सकते हैं, डायरेक्ट सा किंग बन गए हैं। अब मैंने हमेशा कहते हमेशा ख़त्म होने वाला है, ऐसा भी क्या हुआ भैया जो हमेशा कहते हमेशा ख़त्म होने वाला है। मुन्ना बताता हूँ किप को, क्योंकि हम लोग यहाँ से जा सकते हैं बाहर, पर वो लोग नहीं आ सकते। अरे भैया फिर को भैया एक अच्छी चीज़ आई है मेरे दिमाग में, क्या बता मुन्ना भैया। पर मुझे फेंस गेट को बदल तोड़ के एक नॉर्मल फेंस लगाना पड़ेगा इसकी जगह, तो ठीक है ना बना दे। वुड की कमी का है नहीं अभी भैया, क्या बोल रहे हैं, वुड की कमी है हमको, मतलब फ़िलहाल तो फेंस बना सकते हैं ना। तो मुन्ना देख हम लोग क्या करेंगे भैया, आप थोड़ी पहले मेरा आइडिया देखिए। ओ भैया मेरे पास वुड इनफ नहीं है, वरना भैया वो काम कर गएगा जो मुझे करना था। अरे मुन्ना मेरे पास ऑलरेडी फेंसेस पड़े थे, तुमने गलती से यूज़ कर दी इनको। अरे हाँ भैया, पर मेरे सबल की कर गया भैया, इतनी देर से सोचा हूँ, मुन्ना तुमने नया वाला बनाया ही नहीं था, ऐसा है क्या भैया। अरे हाँ मुन्ना ऐसा ही है, ठीक है भैया अगर आप बोल कहें तो मैं एक और बना देता हूँ, फिर थोड़ा ग्राइंड करके हैं कि बहुत देर से ब्लॉक को तोड़े नहीं है ना। हाँ मुन्ना सही कहा, पर जल्दी से हमको तोड़ना होगा, और हमको अब वुड भी जल्दी जल्दी मिलती है तो अच्छी बात है भैया। स्टोन एज में जब आप आ जाएंगे, मतलब स्टोन वाले फेज में, तब आपको स्टोन मिलेगा तो इंस्टेंटली अपडेट हो जाएगा। तो भैया मेरा क्या काम था, हाँ मुन्ना बका आपके साथ क्या काम था कि भैया मेरे को थोड़े से ये चाहिए, और मैं इनको कुछ ऐसे लगाऊंगा। अरे नहीं भैया लगता है एक काइंड की वुड चाहिए, ऐसे काम नहीं होगा। कोई नहीं भैया, थोड़े छः मेरे पास प्लान कर जाए बस वुड के, उसके बाद दिखाऊंगा आपको। ओके आ गए, हाँ भैया सही बोला, अब मेरे पास वुड के आ गए 8, अब मैं स्टेयर बना सकता हूँ। अब देखिए भैया मैं स्टेयर इधर लगाऊंगा, ऐसे करके एनिमल्स बहुत इजीली आ सकते हैं। पर भैया आपने ऐसे बोला कि हम लोग बाहर आ सकते हैं, पर वो नहीं। अरे वाह मुन्ना, मैंने कहा बस कर कुछ एक चीज़ बताई कि भैया, उससे पहले हम लोग के पास भैया 62 जब है भैया 63 मतलब भैया एक स्टैगर का लेके जाएंगे, ठीक है मुन्ना। अभी हम लोग इसको इस साइड में भी एक्सपेंड कर सकते हैं, तो मुन्ना यहाँ पे बस एक छोटी सी आउटर लेयर बना के कुछ इसकी, बाकी मुन्ना हम लोग घर अपना बनाएंगे। पर क्या वो वुड से बनाए क्या घर, भैया वुड को इकट्ठा करने में बहुत टाइम लग जाएगा। आई गेस हमको डर्ट से भी घर बनाना चाहिए, क्योंकि भैया जैसे ही हमारे पास स्टोन आएगा हम लोग धीरे धीरे अपने घर को बगल के रहेंगे, और हम लोग धीरे धीरे उसको वुड और स्टोन का मिक्सचर बना देंगे जो अच्छा दिखेगा। ठीक है अगर कोई ऐसा कहता है तो हम लोग अभी एक डर्ट का घर बना देते हैं, क्या बोलेगा भैया। मेरे को आपकी राय अच्छी लग रही है, एक डर्ट का घर बना देते हैं अभी फ़िलहाल को। तो भैया मैंने इतना कर दिया है एक्सपेंड, और मतलब एक थोड़ा और एक्सपेंड कर लेते हैं यहाँ से, अगर हमारे पास इनफ डर्ट हुई तो। और भैया हमारे पास एकदम परफेक्ट अमाउंट थी, तो हमने अपने बेस को इक्वेटर से बड़ा कर दिया थोड़ा सा। अरे वाह मुन्ना वाह, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात हुई ना। भैया फिलहाल तो रात हो रही है, तो हम लोग जल्दी से थोड़ा वुड माइन करते हैं। मैं तो भैया स्टोन एज के लिए एक्साइटेड हूँ, और किसी चीज़ के लिए नहीं। वाह मना एक पिगी, और
या बस हम लोग पिगी को लूर नहीं कर सकते। अरे भैया अंदर घुस गया था, एक पंच मार के कहना उसको, पर मना इनको डैमेज हो जाता है ना। अरे भैया इनको 5 शॉट लग गए मरने में, ऐसे नहीं मरने वाले इतने आसानी से। पर मैंने कोई एक बात करियर लाइफ में क्या 5 शॉट में तो 5 मुक्कों में पिगी मर जाता है? आई डोंट थिंक सो भैया, पिगी होकर बहुत मुक्के लगते हैं। पर भैया आप ये सब क्या बातें कर रहे हैं? हमको बोला रियल लाइफ में एक पिगी को क्यों मारना है, वो क्यों को है ना। अरे मैंने बोलने की बात है बस, माइनक्राफ्ट लॉजिक को बना का ही नहीं है बिल्कुल। एक वुड आ गया, मैंने गया 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 अंदर गया अंदर गया अंदर गया, बहुत अच्छे वो भी गया। तो ठीक है कक्कू, वो भी कह रहा है कि हमको एक घर बना लेना चाहिए गेट से। हाँ भैया आपने भी कहा है, मैं भी कह रहा हूँ एक काम करके गेट का घर बना ही देते हैं। हाँ मरना ये अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो भैया हमारे पास थोड़ा सफिशेंट गेट आ जाए, उसके बाद कि डर्ट का ही घर बनाएंगे। क्या पता हम लोग वुड का बना सके। नहीं मरना वुड का हम लोग दूसरे चीज़ों के लिए बचा के रखेंगे, बस हमारा स्टोन का स्टेज आ जाए, उसके बाद को सारे वुड के टूल्स को अगर जितना भी वुड होगा वो सिर्फ से वुड के काम मतलब वुड का सामान बनाने के काम आएगा। भैया मेरे पास एक आइडिया है, अगर हमारे पास सीड हो ना हम लोग भैया उगा सकते हैं वीट वीट को। पर भैया हमारे पास तो मेलन सीड है ना, ये लोग मेलन सीड से भी अट्रैक्ट हो गया है ना। अरे ऐसा है क्या? हाँ भैया ऐसा ही को ये अंदर आ जाएगा और हम लोग बहुत आसानी की तरह से बाहर आ सकते हैं और कुछ भी नहीं होगा। क्या बात है, बस अभी पिगी का एक जुगाड़ चाहिए आई गेस। भैया पिगी एक पम्प किंग से आ जाता है, लेट्स टेस्ट। भैया पम्प किंग और वाटरमेलन दोनों अपने हाथ में हैं, देख लेंगे भैया पिगी को क्या पसंद है। वाटरमेलन से आकर है क्या पिगी? हेलो पिगी कैसा है, वाटरमेलन खाएगा क्या? नहीं खाएगा। पम्प किंग खाएगा? ये भी नहीं खाएगा। ठीक है भैया तो पिगी ये सब को नहीं खाता है, हमारे पास थोड़े मटन भी हैं क्योंकि ये रॉ मटन है, मटन को फिलहाल रख देते हैं। हम लोग भैया 9 से 1 बना सकते हैं, पर भैया 5 का कहाँ है, 1 से हमको 9 नहीं मिलते ना भैया, 1 से 7 से 4 ही मिलते हैं हमको सिर्फ। एक ग्लिस्टरिंग मेलन भी होता है पर उसे को बाद में बनाना है। तो भैया आप क्या बोलते हैं, एक डर्ट का घर बना दिया जाए क्या? ठीक है मैंने शुरुआत कर दी, क्योंकि अब क्रीपर वीपर बहुत आने वाले हैं तो उस चीज़ के लिए हमको एक छोटे से घर की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो फिलहाल दीवारी खड़े करना चालू करके क्या है यहाँ से। ठीक है भैया कितने ब्लॉक्स का बनाना है? मैंने घर को पीछे से एक्सपेंड करके जाएंगे, यहाँ से मेरे को थोड़ा सा बस और एक्सपेंड करना है। अभी नहीं बना रहे अपने घर को हम, बस थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाए हमारा घर, उसके मतलब प्लेटफॉर्म उसके बाद बनाएंगे। तो चल जल्दी से हम लोग अब माइन कर लेते हैं। हाँ भैया सही कहा, जल्दी से थोड़ा माइन कर लीजिए, आज एक घर का बना के जाना ही पड़ेगा। और ये आया वुड, मैंने क्या बोला था? अरे मैंने आपको कैसे जान लिया कि वुड ही आएगा? भैया मैं सोचा बहुत देर से अग्नट आ रही है कि आपको वुड आएगी और मेरे बोल गई वुड भी आ गई। अरे मैंने देख हम लोग अब इसके ऊपर एकदम से खड़े रह गए हैं, हम लोग गिर जाते हैं भैया, पर अगर सैंड आ गई ना भैया तो गड़बड़ हो सकती है क्योंकि हम लोग फिर गिर भी सकते हैं एक्चुअली। क्या बोल रहा है भैया कि उसके लिए हमको चेस्ट चाहिए होगी, जो कि भैया एक हार्ट वाली चेस्ट होती है, जो भैया लेवल हार्ट वाली चेस्ट को माइंड करने के बाद हम लोग दूसरे फेज में पहुंच जाते हैं। कभी देखते हैं वो हार्ट वाली चेस्ट कब आएगी। इन 3, 2, 1 एंड गो। अरे मैंने डर्ट आ गया हार्ट वाली चेस्ट की जगह। हाँ भैया वैसे भैया इतनी जल्दी आका भी नहीं है भैया, बहुत टाइम लगता है। और भैया क्या बोला था? अरे मुन्ना तू तो कमाल का है, तूने बोला और हार्ट वाला चेस्ट आ गया मुन्ना। मैंने कहा था ना भैया भले ही थोड़ा 3-2-1 गिले हो गया भैया, पर भैया मिल को गया। और भैया इसमें हमको बहुत सारे अच्छे अच्छे सामान मिले हैं, फॉर एग्जांपल हमको भैया हार्ट वाला चेस्ट तो मिला ही है, पर भैया पहले इसको मैं उठा देता हूँ।
अभी बहुत देर हो गई, हमको कोई चेस्ट नहीं मिला था ना, कहीं डबल चेस्ट भी बना रखे हैं अपने चेस्ट को फाइनली। अब फाइनली भैया फाइनली कितने देर बाद और हमको फाइनली वाटर मिल चुका है। अरे मना वाटर से का हम लोग फार्मिंग भी कर सकते हैं ना, वही कहो भैया बहुत सारी फार्मिंग कर सकते हैं हम। अरे बाप रे मुन्ना, एक बहुत अच्छी बात है मुन्ना, सही बोला भैया बहुत अच्छी बात है। ठीक है मुन्ना, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर हमें कोई बोन ब्लॉक नहीं मिला पूरे इसमें। सही बोला आपने, बोन ब्लॉक का नहीं मिला है, पर पानी मिल चुका है, उससे अच्छी बात क्या है। पानी से हम लोग कितना कुछ उगा सकते हैं भैया। सर सबसे पहले जो काम करना है वो है नेक्स्ट स्टेज में जाना है। अब और भाई किसी भी मोमेंट में हम लोग नेक्स्ट स्टेज में चले जाएंगे, पर भैया उससे पहले एक ज़रूरी काम जो भैया मेरे को करने की ज़रूरत है, और भैया बहुत रिस्की है, बहुत भैया बहुत मतलब बहुत, और उसके लिए मेरे को अपना सारा सामान भैया इस चेस्ट में रखना पड़ेगा, क्योंकि 100 भैया बहुत सारे चांसेस हैं कि भैया हम लोग अपना सब कुछ लूज़ कर जाएंगे सब कुछ। तो भैया सच में बहुत ही रिस्की काम है, बहुत ज़्यादा मेरे को अपने साथ बिल्डिंग ब्लॉक्स पे जाना पड़ेंगे कि भैया देखते हैं इस काम को हम कर पाते हैं कि नहीं, या फिर हम लोग पहले ही मर जाएंगे। मतलब काश हम ना मरे भैया, मैं भी कह रहा हूँ, वरना हमारी वाटर बकेट खो जाएगी डेफिनेटली। भैया मैं गेम को सेव करके कर रखा हूँ, मगर इसकी कॉपी बना लेते हैं पहले, कॉपी बनाएगा मतलब। हाँ भैया मेरे को फीलिंग आ रही है भैया हम नहीं कर पाएंगे भैया, कहो मुझे भैया इस वर्ल्ड को कॉपी करना पड़ेगा। तो भैया आपसे कुछ गेम में मिलता हूँ। तो भैया हमने कॉपी वाला वर्ल्ड बना दिया है, अब हम लोग कॉपी वाले वर्ल्ड में खेलेंगे, और कॉपी वाले वर्ल्ड में मरे तो हम लोग अपने रियल वर्ल्ड में आ जाएंगे और कोई दूसरी टेक्निक सोचेंगे। अरे वाह मुन्ना तूने अच्छा किया, इससे हमारे पास बैकअप है। हाँ भैया कॉपी वर्ल्ड में नहीं मरे तो भैया उसी टेक्निक को अपने रियल वर्ल्ड में भी आजमा लेंगे, या फिर भैया कॉपी के साथ ही चलेंगे हम लोग। पर कभी भी कॉपी में मरे का हमारा रियल वाला वर्ल्ड में थोड़ी सी प्रोग्रेस सेव रहेगी। तो भैया पता है ना क्या काम करना था। हाँ वरना हमारी वाटर बकेट कहाँ गई भैया, अंदर रखी है, मुझे फीलिंग आ रही है भैया हम लोग मरने वाले हैं। पर भैया वाटर का पता नीचे जा जाने दीजिए, अब भैया ऊपर जाइए। ओ भैया एक बहुत स्लो है, थोड़ा आगे जाइएगा अगर। भैया अरे भैया जो मैंने सोचा था वैसा का बिल्कुल ही नहीं है, अब हमने एक ब्लॉक लगा दिया है भैया नीचे। अरे भैया मैं तो फालतू में कर रहा हूँ, ऐसा कभी कुछ भी नहीं होने वाला हमारे साथ। अरे हाँ मुन्ना जैसा सोचा था वैसा का बिल्कुल ही नहीं हुआ, बहुत आसानी से काम हो गया, बस लगा दिया ब्लॉक, अब क्या भर के कैसे और अपनी वाकर बकेट को सेव कर लेते हैं। भैया बहुत हो गया, हमने बहुत सेव कर लिया, बहुत सेव हो गया। अब भैया सीधा मुर्गे पे आते हैं, थोड़ा काम किया जाए। अरे क्या काम करेगा मुन्ना, भैया थोड़ी अब फार्मिंग करने वाले हैं, बहुत हो गया है। ठीक है मुन्ना कुछ सीरियस हो चुका है, अरे रुक जा मुन्ना ऐसे मत कर। अरे भैया ये क्या करा, अरे मुन्ना गड़बड़ हो गई। हो भैया सही कहा, अच्छा किया हमने कॉपी बना दी। अरे भैया मैं क्या कर रहा हूँ भैया, मैंने यहाँ पे भैया छोटा सा फार्म बनाया है। अरे मुन्ना को ने बना लिया। हाँ भैया और भैया देखिए मैंने बस ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमें जो वाटर बकेट मिली थी भैया उसी से भैया मैंने ये करा है। अब देख सकते हैं मेरे पास खाली बकेट है, और भैया यहाँ पे एक वाटरमेलन का सीड है, ये वाला वाटरमेलन, ये वाला वाटरमेलन, ये वाला पम्पकिन, ये वाला पम्पकिन, ये वाला पम्पकिन, ये वाला पम्पकिन अभी लगा दिया, ख़त्म हो गए थे। और यहाँ पे पहले से दो वाटरमेलन के लग चुके हैं, और यहाँ पे एक पम्पकिन लगेगा। और मैं एक्चुअली थोड़ा भूल गया था कि कैसे काम करता है, पर अब मेरे को याद आया हमको कोई ब्लॉक भी चाहिए ना इसके पीछे, जिससे पम्पकिन जो है वो ग्रो हो पाए। हाँ मुन्ना बस भूल गया था, पर भैया हमको भैया इसको एक्सपेंड करेंगे बाद में,
जिससे हम लोग खुद ना गिर जाए। बाकी भैया अभी का हम लोग अच्छा कर रहे हैं। हाँ मन्नस फिलहाल तो अच्छा कर रहे हैं। अब भैया अपने अपने सामान निकाल के हैं और भैया बकेट को रख के हैं और फिर से भैया काम पे टूल जाके हैं। मुन्ना अभी तक पर हमारे पास वो वाला चेस्ट आया नहीं। एक और हेबल भैया उसको आप हो से कोड़ेंगे तो जाके जल्दी टूट गया है। और एक अंडा मिला मुन्ना भैया, अभी एक और मिल जाएगा आपको। नहीं भैया नहीं मिला। तो भैया जिसने किया है ये नकली अंडा भैया 100% देखा भैया नकली का। मैंने कौन से डैमेज क्यों किया भैया, आप चिंता मत कीजिए अंडों से डैमेज नहीं मिलता। अरे मना वो सबल कहाँ गई, ये रही। मैंने हे वेल भी को मिली है हमको, तो इसको रीड में कन्वर्ट कर दिया करना। ठीक है भैया, तो भैया मैंने वीट में कन्वर्ट करके ब्रेड को भैया पहले मुझे यहाँ पे रखना होगा। और भैया सारा वीट मैंने कन्वर्ट कर लिया है, सारा वाटर मैंने भी कन्वर्ट करके रख सके हैं। भैया अभी तक भूख नहीं लग रही, पर हमने इतना फार्म वार्म बना लिया। ठीक है मुन्ना, अब जल्दी से हम लोग बना लेते हैं। भैया थोड़ा कर लेते हैं स्टेज को कंप्लीट। अरे भैया हम लोग सबल का यूज़ कर क्यों नहीं रहे, अब यह वुड आ जाएगी मुझे पक्का का भैया, जब मैं बोलता हूँ तभी आती है। और एक काव आ गई, क्या बात। हमें सभी अपने हाथ में कम से कम एक वीट अप रखे रहेंगे, ये हर बार बाहर जाना पड़ता है, तंग आ गया हूँ। ठीक है अब एक वीट है मेरे हाथ में, लगता है भैया वो काव। अच्छा हाँ भैया मेरे को लगा वो अंगर चले से चली गई है, और लगे कि हमारे सीप्स वो सब भी बड़े हो गए हैं। मना बस एक पिग और चिकन अकेले है, अगर उनके भी आ गए ना और जाकर थोड़े चिकन आ गए तो हम लोग उनकी भी ब्रीडिंग करवा देंगे और फिर हमारे पास इन्फिनिट एनिमल्स आ जाएंगे। अब यह वुड अब मैंने जी नाम लिया और वो आ गए। अच्छा है मेरे पास इन्वेंटरी में लगे हाथों थोड़े से स्वीट्स पड़े हुए हैं, तो इधर आ जाओ। अब मेरे पास ऑलरेडी दो तो हैं, तो इसको एक खिलाना है, दूसरा वाला कहाँ गया, और इसको एक खिलाना है। और अब ये लोग ब्रीडिंग कर देंगे, क्या बात है, अब अंडे भी जल्दी जल्दी मिलेंगे। इससे भी सैपलिंग नहीं मिली भैया, और भैया बोन ब्लॉक इतने देर से आ नहीं रहा था, अब आया ना। इससे भैया बंद किया है एक बोन मिल, पर भैया आई थिंक बोन मिल के लिए भी एक सेपरेट चेस्ट होती है जो मैंने देखी है, आई गेस पता नहीं इस बारे में है कि नहीं। अरे वाह मन्ना ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, पर मन्ना पिगी के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए जब उसे जाना होगा वो चला जाएगा। अगर किसी चेस्ट में गाजर वाजर मिल जाए ना भैया तो इसको छोड़ूंगा नहीं, अंदर लेके जाऊंगा भैया एक गाजर से इन सबको। और एक और काओ, ठीक है मेरे पास एक हमेशा एविट का पीस रहता है, तो अंगा राजा। अरे भाई अंगा राजा बहुत अच्छे, बस अंगा स्पेस की कमी ना पड़े क्योंकि भैया एंट्री क्राइमिंग होने लगती है, बट आई गेस पॉकेट एडिशन में वो पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ जावा में ही होता है। और भैया हमारा सबल फिर से टूटने वाला है, तो जब भी ऐसी हालत आ जाए सबल्स की उनको रख दीजिए और उसकी जगह एक नया वाला बना दीजिए। और इतना सारा अपने इन्वेंटरी में वुड लेके घूम रहा है, उनको ये नहीं कह रहा कि प्लैंक्स में बदल गए।
एक काम करते हैं, बहुत सारे स्टिक्स बना के हैं, दो सर्वज बना के हैं। एक और एक्स बना देते हैं, और आई डोंट थिंक सो अभी पिक एक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसको फेंस इसके बाकी बचा के रखते हैं। अब ठीक है, हम लोग अच्छे से प्रिपेयर हैं। और भैया मुझे लग ही रहा था बोन मील वाली चेस्ट आएगी। अब भैया इसके लिए मैं काम करने वाला हूँ, अगर आपको नहीं पता। हाँ भैया, हम लोग स्प्रिट बेरीज को भी ग्रो करने वाले हैं भाई। अभी अगर आपको नहीं पता, को भैया आपको स्प्रिट बेरीज में डैमेज मिलता है। ओके भैया, अभी नहीं मिलेगा, अब जब भी फुली ग्रो हो जाएंगी तब मिलता है। पर भैया अगर जिससे ऐसा ना हो, पर भैया आपको मैं दिखाने के लिए भैया अपना थोड़ा बोन मिल यूज़ कर दिया। काम चलो कोई नहीं, जैसे कि अब देखिए डैमेज मिल रहा है ना। अरे हाँ, मुना एक डैमेज मिल रहा है, ऐसे होगा कि मुना कैसे चलेगा, फिर कब मर जाएंगे मुना डैमेज से। तो भैया स्लैब्स बनाते हैं, और इनके ऊपर भैया हम लोग स्लैब अगर रख देंगे ना, तो भैया हम लोग इनके ऊपर जा नहीं पाएंगे एक्चुअली, और हमको डैमेज होगा नहीं। अरे वाह मुना, ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। पर भैया हमको आसपास में भी डर्ट लगानी होगी ना, तो हमारे पास अभी बहुत सारी डर्ट आ गई है। तो थोड़ा सा भैया घर चल सकते हैं। और भैया मेरे को बस भैया थोड़े फेंस बनाने हैं, क्योंकि भैया फेंस से हम भी तो जा नहीं सकते ना। तो भैया फेंस कैसे बन के याद आया, ठीक है आइए सभी के एक टीम काफ़ी रहेंगे, काफ़ी ना भी होंगे तो ये रख लेते हैं। तो भैया कुछ ऐसे करके हम लोग साइड में सपोर्ट डाल देंगे, एक्चुअली भैया इतना भी नहीं। अब ठीक है भैया, अब घिरेंगे नहीं एकदम। अरे वाह मना के हमको इतनी सारी बेरी मिल रही है, इनको हाथी हाथों में लगा के जाते हैं। पर भैया स्लैब लगाना मत भूलिएगा इनके ऊपर ना, मना चिंता मक्कर को मैं स्लैब लगाना बिल्कुल नहीं भूलूँगा। थोड़े और बनाने हैं, जल्दी से बना लेते हैं। भैया जाइए और कलेक्ट कर लीजिए सारी बेरीज़ को। देखिए हमने अपनी सारी बोन मील को यूज़ कर ली, पर हमको बहुत सारी स्वीट बेरीज मिल रही है भैया, और ये भैया ज़रूर हमारे किसी के काम आएगी ना। भैया यहाँ पे मत लगाइए, यहाँ पे हमें फार्म में जाने में। ओ भैया हमको खा रहे हैं, ओ भैया पहली बार, भैया पहली बार। और भैया मुझे अभी एक और चीज़ पता चली कि अगर हम लोग इनको अपने आगे वाले फॉर्म में छोड़ तोड़ के हैं, तो इनसे हमको बेरीज नहीं मिलती हैं। कभी आगे फॉर्म में कभी इनको तोड़िएगा मत। आई गेस मैंने एक का काफ़ी है, और भैया हम लोग थोड़ी बेरीज अपने लिए खाने के लिए भी रख सकते हैं ना। ठीक है तो मैं ना देखिए ग्रो हो गई है, अभी हमको अब डैमेज देने वाली है। अरे वाह मुन्ना, ये जुगाड़ का मना केरा काफ़ी अच्छा है भाई। हमने पहले अपने खाने के लिए इतना जुगाड़ बना लिया जिसकी हमें ज़रूर रखना ही। हाँ वरना पर हम लोग हार्ड मोड में खेल रहे हैं, हमको सून खाने की ज़रूरत पड़ेगी, और मतलब पहली बार हमको भूख लगी है, उसी मज़े में खाने की खाना तो बनता है मुन्ना। हाँ भैया, तो भैया मैं तो थोड़े से स्लैब बनाने के 18 बना देता हूँ, ये मुझे कभी ना कभी काम को आएंगे ही। ये वाला देखिए भैया फुली ग्रोन भी हो चुका है। तो भैया उससे हमको इनके ऊपर लगाने की ज़रूरत है, इस साइड वाले को एकदम ही ग्रो हो गए हैं, तो इन पर लगाना भी ज़रूरी है। अरे वाह मुन्ना, हमको कोई इन्फिनिट ऑफ फूड मिलेगा, सही बोला भैया। और देखिए बेरीज आ रही हैं, क्या बात है क्या बात है, बहुत अच्छे भैया।
पहले गेम में हमने बहुत प्रोग्रेस कर ली है। तो भैया इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो एंड करते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और देख ही सकते हो आज हमने कितनी प्रोग्रेस करी है वन ब्लॉक में। और भैया थोड़ा जाने से पहले मैं ज़रा एक काम करना चाहूँगा भैया। क्या मना, मैं यहाँ पे एक फ्लावर लगाना चाहूँगा जिससे कम से कम मेरे को पता लग सके। एक्चुअली एक नहीं भैया, तीन तीन फ्लावर लगाएंगे हम, जिससे हमको पका कम से कम चल सके ना कि क्या है। पर भैया इतने फ्लावर लगाएंगे भैया तो भैया कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब भैया इतने में अच्छा नहीं लगेगा ना। तो बाय बाय, आज के लाइक का एम जो है वो है 50 लाइक्स। हमेशा ऐसे ही हम लोग वही एम रखते हैं, और जल्दी से चैनल में 1000 मतलब अरे भैया 1200 सब्सक्राइब करवा दो भैया। अभी मेरे को एक आइडिया आया है, जाने से पहले वीडियो में जाने से पहले मेरे को एक काम करके जाना पड़ेगा। अरे क्या मुन्ना भैया, अभी मेरे को एक आइडिया आया, क्यों ना भैया हम लोग अपने इस पूरे मतलब भैया बेस के अराउंड भैया ये लगा के बस फार्म को छोड़ के गो को भैया हमको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। हम लोग कब कभी भैया अपने आइलैंड से घिरेंगे नहीं। अरे मुन्ना अभी गिर जाके स्प्रिंट कर रहे, किसे कुछ जाने का बोला भैया, हाथ में कौन सा ज़्यादा सामान था हमारे, जो भी हो मुन्ना पर रिस्की काम था ना भैया। एक एक्स को चाहिए मेरे को, उस फेंस को कोड़ना है भैया, बहुत बुरा लग रहा है। और एक सेबल भी रख सकता हूँ अपने साथ, ठीक है करा चुके चलते हैं। अब पहले ये वाला तोड़ेंगे, उसके बाद ये वाला, और फिर अरे भाई गिर जाएंगे हम, उसके बाद ये वाला भैया, फिर भैया और क्या, बस ये आखिरी लगा दिया। अरे मैंने तेरे पास एकदम परफेक्ट अमाउंट था, पर भैया फिर भी हम लोग चेस्ट के ऊपर से चढ़ सकते हैं। तो भैया इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, मैं वो भी भैया अभी करेंगे। पर भैया हमारे एक्चुअल चेस्ट में भैया सामान बहुत सारा है, तो भैया सबसे अच्छा जुगाड़ यही होगा हम लोग चेस्ट के ऊपर भी स्लैब सी लगा दें। हाँ मुन्ना ये कोई अच्छा बोला, और भी एक अंडा मिला है भैया, ज़्यादा मिलेंगे आपको अंडे, अंडर तो जाइए। अरे मुन्ना एक ही मिला है भैया, नकली अंडा होगा भैया, नकली खा आई गेस, या फिर रस्सी भी हो सकता है भैया, कोई ठिकाना नहीं। मेरे को वैसे भी दिख भी नहीं रहा कितने सारे आ गए। जाने का एग्जिट कहाँ है? ओके यहाँ पे है। तो भैया बस मेरे को थोड़े से और स्लैब्स चाहिए, थोड़े से बस, ज़्यादा नहीं। एक्चुअली ये वाले नहीं मुझे चाहिए, बीच वाले अच्छे लगेंगे, बना के इनके स्लैब्स बना देता हूँ। और मुझे बस एक दो, अब भैया एकदम पूरी तरह से भैया हम लोग मतलब भैया सेफ हैं, हम लोग कभी गिर नहीं सकते भैया। बस भैया फार्म का थोड़ा दिक्कत है, तो भैया आज के जाने से पहले भैया फार्म का भी थोड़ा जुगाड़ करके जाए क्या। हाँ मुन्ना आई गेस तुझे करना चाहिए, तो भैया फार्म का जुगाड़ भी। हो गया भैया, बस थोड़ा सा बाकी है, तो भैया फार्म का जुगाड़ मैं आज करके जाने वाला हूँ। मुझे लगता है मुझे और ज़रूरत पड़ेगी, पर ये कोई खुद ही नहीं रहा है, ये क्या बात हुई। लगता है हमको एक और ऊपर लगाना पड़ेगा, ठीक है कोई नहीं। बस काम हो गया हमारा, काफ़ी है भैया। और बीच का ब्लॉक उठा दिया ना, अब ये खुल भी जाएगा। तो मेरे को यहाँ से थोड़े वुड चाहिए, ठीक है ओक के दे देते हैं, तो ओक से हमको मिल जाएंगे बहुत सारे। तो 12 आ गए हैं भैया, आई थिंक 12 काफ़ी रहेंगे, 12 ना 12 ठीक तो लग रहे हैं, पर फिर भी डर लग रहा है हम लोग का घिर ना जाए ना भैया। ना हम नहीं घिरेंगे भैया, हमारे पास बहुत मतलब भैया हम लोग भैया
मैं इसको बहुत सिक्योर कर रहे हैं भैया, बस थोड़े जगह को यहाँ पे मना करे। ओक वाले भी अब यूज़ होने वाले हैं। एक्चुअली मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बना दिया हमने। सही बोला भैया, थोड़ा ज़्यादा ही एक्चुअली बड़ा है ये, पर कोई बात नहीं भैया, चलेगा। हम लोग भैया इससे भी हम लोग अपना काम कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है भैया। हाँ वरना बस जल्दी से ये लग जाए। अभी हमको और चाहिए, तो रुक जा, ये तो बिल्डिंग ब्लॉक्स अपने साथ रख लेता हूँ, ये काम आते हैं। बाकी थोड़ा अंदर से और थोड़ा वुड लिया जाए, एक और अंगा इसी वह को, कुछ हुआ भी नहीं तो ठीक है। तो मुझे और थोड़े से मिल जाए, और मैं एक काम के लिए ये जो दो प्लैंक्स हैं इनको भी दे देता हूँ। अरे मुन्ना क्या कर रहा है तू भैया, मैं सोच रखा ऐसे ही बना सकते हैं हम, पर हम लोग अपेरेंटली ऐसे नहीं बना सकते, पर ऐसे को बना सकते हैं। कभी अपने बेस को इतना सिक्योर करेंगे भैया कि हम कभी ज़िंदगी में ना गिर पाए भैया इससे। हाँ मुन्ना, पर तू इतना भी इसको सिक्योर मत कर, हमने फालतू में स्लैब्स बनाए हैं मुन्ना भाई। कभी ऐसा कैसे भैया, फालतू में कैसे बना दिए, मतलब हम लोग जाने के लिए भी रास्ता चाहिए ना। तो भैया जाने के लिए हमारे पास रास्ता है ही, बस यहाँ पे गो आगे बढ़ा के है ना। एक्चुअली ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इतना आगे भी नहीं करना है, इसको ऐसे रख सकते हैं। अब मुन्ना के पास जाने का रास्ता कहाँ है भैया, है ना, ऐसे हम लोग अंगे चले जाएंगे। अरे रुक जा, चलो कोई नहीं भैया, ये काम मैं ऑफलाइन कर दूँगा। और एक्चुअली भैया मैंने इसके सराउंड में ये लगा दिया जिससे हम लोग घेर नहीं सकते भैया। तो भैया आई गेस आज के लिए ना काफ़ी है, अब मैं आपसे मिलूँगा अगले बार एक और नई वीडियो में, कल पक्के लिए। बाय 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 मुन्ना, बाय बाय भैया, बाय।